जो प्रश्न है यहाँ पे आपने जो रखा है रिगार्डिंग दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर में, तो इसमें देखिए कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हम लोगों का रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में इसका आते हैं। और जहाँ तक दिबांग जो मल्टी पर्पज जो प्रोजेक्ट जो है उसमें ऑलरेडी पब्लिक हियरिंग भी पूरा कंडक्ट हो चुका है, और गवर्नमेंट यानी कि जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिंग जो एजेंसी है एनएचपीसी का ओर से लैंड कंपनसेशन और जितने भी जो कंपनसेशन है वो भी वहाँ पे पब्लिक लोगों को बेनिफिशरीज को सबको दे चुका है। अभी डाउनस्ट्रीम का बारे में आप लोग ने जो यहाँ पे मेंशन किया है उसका ऑलरेडी एक इम्पैक्ट एक स्टडी भी कंडक्ट करते हैं, वो एनएचपीसी ही करते हैं, इसका भी ऑलरेडी वो लोग ने कर चुका है। तो कुछ भी अगर लोकल्स में अगर वहाँ पे जो अगर कुछ इस तरह से अगर मन में होने से प्रशासन के साथ में बात करें, ताकि प्रशासन जो है एनएचपीसी के साथ में बातचीत करके उस चीज़ को क्लैरिफाई हम लोगों को हम लोग कर पाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे पास वाटर इज़ आवर रिसोर्सेज, और उस रिसोर्सेज को अगर हम लोग यूज़ कर नहीं पाने से इट विल बी ए वेरी बिग वेस्टेज फॉर अरुणाचल प्रदेश। बट सेइंग सो, मैं हमेशा पब्लिक डोमेन में ये कहता हूँ कि कुछ भी यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होगा अरुणाचल प्रदेश में, अगर बड़ा प्रोजेक्ट्स जो भी हो, चाहे रोड हो या चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्यों ना हो, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में रख के ही हम लोग करेंगे। सो एज़ पर रूल दिबांग जो पावर प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी पब्लिक हियरिंग होके पब्लिक को लूप में रखते हुए उसको ऑलरेडी अप्रूव होके अभी काम स्टार्ट होने जा रहा है। सर, लास्ट वन मोर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डेमो। सर, सियांग इंडिजिनियस फार्मर फोरम ने 2013 को आपको एक लेटर लिखा था टू स्क्रैप द 10,000 मेगावाट प्रोजेक्ट, एंड ये स्क्रैप भी हो चुका था। बट अभी फिर इट इज़ रिपोर्टेड दैट द प्रोजेक्ट इज अभी स्टार्ट होने को है, इंस्पेक्शन इज गोइंग ऑन, असेसमेंट इज गोइंग ऑन, व्हाट डू यू हैव टू टेक ऑन दिस? सी, इसमें अभी इस विषय पर मेरा जो आदि एरिया में जो आने आदि बने केबांग है एबी के, उसका साथ में भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, और वहाँ के जितने भी जो पब्लिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनका साथ में भी हम चर्चा किया है, और बहुत सारा पब्लिक फोरम्स में अपना सियांग बेल्ट में चाहे पासीघाट में हो चाहे सियांग में हो, मैं इसको ऊपर में अपना स्पीच में आप लोग रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं, मेरा स्पीच में भी बहुत क्लियर कट हमने सरकार की ओर से हमने सियांग जो प्रोजेक्ट के ऊपर में मैसेज जो है कन्वे किया हुआ है। अगर आप गूगल करके चेक करेंगे जो हमारा जो पड़ोसी जो मुल्क है वहाँ में दे हैव ऑलरेडी फाइनलाइज उन लोगों का 14th 5-year प्लान में कि जो ग्रेट बैंड जो अपना सियांग जो है अरुणाचल में एंट्री करने से पहले एक ग्रेट बैंड है टिबेट साइड में, वहाँ में दे हैव ऑलरेडी अप्रूव टू कंस्ट्रक्ट 60,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। तो उसका चलते हुए क्योंकि सियांग जो है हमारा ट्राइबल्स जितने भी जो लोग वहाँ पे बसे हुए हैं खास करके आदि, उसका साथ में इमोशनली सियांग का साथ में सदियों से ही एक इमोशनल बॉन्डेज है। अभी इस सियांग को किस प्रकार से बचाया जाए इसको ऊपर में भारत सरकार ने चर्चा करते हुए इसका केवल एक ही सोल्यूशन है कि हम लोगों को एक बड़ा बैरेज वहाँ पर सियांग को अगर बचाना है तो एक बड़ा बैरेज हम लोगों को बनाना होगा। तो इसमें भविष्य में मान लीजिए कि अभी ऑलरेडी टिबेट में तो इसका कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी शुरुआत हो गया, आज से 8-9 साल के बाद में अगर वहाँ में पावर प्रोजेक्ट जो है पूरा वहाँ पे वो लोग डैम बना के अगर पानी को डाइवर्ट भी अगर कर लेते हैं तो सियांग नदी तो पूरा सूख जाएगा, उसको हम लोग पैदल से भी क्रॉस कर पाएंगे। सो हम लोग क्या इस प्रकार का नौबत सियांग नदी को होना देना चाहिए, सवाल नंबर वन। और मेरा दूसरा सवाल ये भी है कि जो पड़ोसी मुल्क जो वहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनका कुछ भरोसा नहीं है, कल में कुछ टेक्निकलिटीज़ देखते हुए मान लीजिए उन लोग ने उस डैम को वहाँ से पूरा छोड़ दिया, तो अपना जितने भी जो सियांग एरिया में है वहाँ से इंक्योंग से लेते हुए पूरे जितने भी जो सियांग बेल्ट है पासीघाट से होते हुए आसाम टिल बांग्लादेश, इसका बड़ा इम्पैक्ट फ्लड का बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को हम लोगों को मिलेगा। सो इस तरह से काफ़ी सारा एक सवाल होता है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से प्रिवेंट करना चाहिए उसका आधार पर कम्युनिटी के साथ में हमने बात किया। मैंने कहा कि गवर्नमेंट का एजेंडा जो है पावर जो है वो वहाँ से जो आप 10,000 जो बोल रहे हैं उसका ऑफशूट प्रोडक्ट है, उसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है पावर, और मेन स्ट्रक्चर इज़ कि सियांग को कैसे हम लोग लाइव हम लोग वहाँ पे रख पाएंगे, वाटर सिक्योरिटी हम लोगों को किस प्रकार से हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। अभी इस विषय पर
मैंने ऑलरेडी कहा कि इसमें हम लोगों का पूरा जन सुनवाई मतलब पब्लिक हियरिंग भी होगा, हम लोगों का पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी होगा। पब्लिक लोग जो 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 भी मन में कुछ प्रश्न है, कुछ भी जो डाउट है, उसको भी हम लोग प्लेटफॉर्म देंगे, पूरा भारत सरकार के साथ में बैठ के उसको क्लैरिफाई हम लोग करके ही तो भी हम लोग आगे बढ़ेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस में नहीं रखते हुए इसको हम लोग आगे लेके बढ़ रहा है, ये शायद कोई गलत मिस इंटरप्रिट कर रहा होगा। तो आज जितने भी हमारा मीडिया के दोस्तों आप लोग आए हुए हैं, आप लोग भी उसको अच्छी तरह से लोगों तक पहुँचाना है कि सरकार जो है अनटिल अनलेस पब्लिक कॉन्फिडेंस में नहीं होगा इस चीज़ में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ऑलरेडी डिस्कशन में अभी काफ़ी राउंड्स डिस्कशन अभी हो चुका है और भी काफ़ी राउंड्स डिस्कशन हम लोग करेंगे। थैंक यू।